Hi everyone, in this video I will be talking about the detailed CTC breakdown of Uber. We will be looking at each and every component one by one. Kya bonus hai, kya benefits hai, kya base hai, kya stocks hai. This CTC breakdown is for freshers. Okay, so without wasting for the time, let us start with the CTC breakdown. Aap logo ko maza aa jayega sun karke because the CTC of Uber is really good. Let us start with the base salary. So the base salary is 21 lakhs. Okay. ये इंक्रीमेंट हुआ है रिसेंटली. लास्ट टाइम इट वॉज अबाउट 18 टू 19 लैक्स. नाउ इट इज 21 लैक्स विच इज रियली गुड. सो बेस सैलरी क्या होता है बेसिकली, ये जो सैलरी है इसको आप डिवाइड बाई 12 कर दें तो इतना आपका पर मंथ आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है. ओके, दिस इज फॉर श्योर. तो इस पर आपका टैक्स वगैरह भी लगता है जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा बिकॉज सबकी टैक्स की जो स्कीम्स हैं वो अलग अलग होती हैं. अगर आप लोगों को टैक्स सेविंग्स पे टैक्स की कौन सी स्कीम्स अवेलेबल होती हैं उस पर वीडियो चाहिए, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और यार जितने भी फाइनल ईयर की गर्ल्स यहाँ पर वीडियो देख रही हैं, दे वेट टिल द एंड. उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. सो आई विल बी डिस्कसिंग इट एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो स्टे टिल द एंड. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी. सो दिस इज फॉर योर रिटायरमेंट. जब आप लोग रिटायर होते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा मिल जाता है. अभी आपका कलेक्ट होता रहेगा पर मंथ के हिसाब से, एंड देन आफ्टर यू गेट रिटायर ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा. सो इट इज अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट जो कि आपको करनी चाहिए, एंड कंपनी इसमें आपकी हेल्प करती है करने में. सो हाउ मच प्रोविडेंट फंड प्लस ग्रेच्युटी यू गेट? यू गेट अबाउट 1,57,600. दिस मच अमाउंट एज योर ग्रेच्युटी. ये आपको मिलेगा नहीं बल्कि आपका ये सेव हो जाएगा एक जगह जाकर के. ओके, देन यू हैव ज्वाइनिंग बोनस. जब लोग ज्वाइन करते हैं देन यू गेट अ ज्वाइनिंग बोनस विच ऑब्वियसली एक क्लॉज के अंदर आता है कि यार आप लोग अगर कंपनी लीव करते हैं विद इन वन ईयर देन यू विल हैव टू गिव बैक दिस बोनस. तो ये आपका जो बोनस है इट इज 2 लैक्स. 2 लाख ज्वाइनिंग बोनस हो गया. देन नेक्स्ट इज स्टॉक्स. जब आप लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं आप लोगों को कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ स्टॉक्स मिलते हैं विच इज 41,000 USD. इसको अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे सो इट विल कम आउट टू बी 7,67,500. ये आपको फर्स्ट ईयर में जैसे आप ज्वाइन करते हैं वैसे ही आपको मिल जाता है, बट ये आपका ना ओवर 4 ईयर्स मेच्योर होता है. ऐसा नहीं है कि आप ये सारा का सारा जो स्टॉक्स है इनको बेच करके पैसा बना लेंगे पहले साल में. यू विल बी एबल टू सेल ओनली 25% ऑफ दिस आफ्टर 1 ईयर, देन अगेन 25% आफ्टर द सेकेंड ईयर, देन 25% आफ्टर द फोर्थ ईयर एंड सो ऑन. लेकिन ऐसा नहीं है कि यार आपके जो स्टॉक्स हैं वो इतने ही रहने वाले हैं. एज यू ग्रो इन टू द ऑर्गनाइजेशन आपका जैसे प्रमोशन होता है आप लोगों को और भी स्टॉक्स दे दिए जाते हैं, आप लोगों को और भी बोनसेस वगैरह दे दिए जाते हैं. तो वो बात की बातें हैं, अभी हम लोग फ्रेशर्स के लिए बात कर रहे हैं. तो ये मान के चलो यार एक साल में ना आपको उसका 1/4 मिल जाएगा एक्चुअली इफ़ यू वॉन्ट इट. ओके, अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन कीप इट, बट इफ़ यू वॉन्ट टू सेल देन यू विल बी एबल टू सेल 25% ऑफ दिस विच विल कम अराउंड 1,91,000 समवेयर. ओके, the next is your performance bonus. It depends upon your performance, but the targeted performance bonus is 2,15,000. Obviously, it depends upon the performance of individuals as well. Then you have the relocation allowances. जैसे आप relocate करते हैं, let us say आप Delhi में situated हैं, then you are relocating to the Bangalore campus. Then यहाँ पर आप लोगों को relocation allowances मिल जाते हैं, and the allowances are 2 lakhs. Then next comes the benefits. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको ऊबर में काम करने से मिल जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री ऊबर राइड्स अप टू 44,000. ओके, देन नेक्स्ट यू हैव मोबाइल अलाउंसेस विच इंक्लूड्स योर इंटरनेट बिल्स एंड ऑल 36,000. देन यू हैव वन मोर थिंग वेलनेस अलाउंसेस. आप लोग कुछ अपने इक्विपमेंट्स वगैरह लेते हैं वेलनेस के लिए, आपको उसके वेलनेस अलाउंसेस मिल जाते हैं, दैट इज अबाउट 58,000. सो इन टोटल ये जो बन जाता है इट इज समवेयर अराउंड 1,38,000. This comes in your benefit. Apart from that, आपको एक बहुत अच्छा benefit मिल जाता है, the medical insurance of 7.5 lakhs. Okay? 7.5 lakhs medical. तो इसमें अगर आप कवर हो जाते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ एंड आपके चिल्ड्रेन कवर हो जाएंगे इसमें. अगर आपको पेरेंट के लिए चाहिए देन वो अलग एक स्कीम होती है, वहां पर भी आपको ऊबर हेल्प करेगा फॉर योर पेरेंट्स. नाउ दिस वॉज द एंटायर सीटीसी ब्रेकडाउन. आई होप आप लोगों को एक्साइटमेंट हुआ होगा इसको सुन करके, एंड यू आर विलिंग टू गेट इन सच अ कंपनी. उसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से कोडिंग करनी पड़ेगी, कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग भी थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी बिकॉज इसका जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वो कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होता है. ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, सो बी प्रिपेयर फॉर दिस. तो यार फाइनल ईयर गर्ल्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसकी बात कर लेते हैं. आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस एक ऑनलाइन टेस्ट देना है, कोडिंग टेस्ट, जिसके बाद आप लोग कुछ प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे, सम रियल इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स, एंड उसको करते करते आप लोग डेवलपमेंट सीखेंगे जिससे आप लोगों का वर्क एक्सपीरियंस बढ़ेगा. आफ्टर दैट
अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है देन यू विल गेट अ डायरेक्ट चांस टू गेट एन इंटरव्यू विद दी गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जिसके बेसिस पे आप लोगों को बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एंड फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. सो दिस प्रोग्राम इज बेसिकली बाई क्रायर और डू एंड गीटर्स इन कोलेबोरेशन. तो यार काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम है ये, और इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है. आप लोग जा करके टेस्ट दे सकते हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट. सो लेट अस मीट इन अनदर वीडियो. थैंक यू.